सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, सपा, आम पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दल एवं निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत के लिए खम्भ ठोक रहे हैं। उम्मीदवार सेवड़ा के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर अपने लिए जनता के बीच हाथ जोड़कर समर्थन मांग रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र में चुनावी तस्वीर देखी जाए तो भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, आप प्रत्याशी बेटी राजा श्रीमती परिणीति राजे के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इसके सबके आम पार्टी की प्रत्याशी बेटी राजा परिणीता राजे बिना स्टार प्रचारक के बिना क्षेत्रों में पहुंचकर आम जनता के बीच जनसंपर्क कर वोट के रूप में समर्थन मांग रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ और एक बात आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं वो सत्ता की लड़ाई नहीं, व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में और ख़ास करके सेवड़ा विधानसभा में जो हमारी व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। चाहे हम महिलाओं के बारे में ले लें, किसानों के बारे में ले लें, युवाओं के बारे में ले लें, या कोई भी और जो हमारे गांव और क्षेत्र से संबंधित हैं, गन्ना किसान हैं तो पीड़ित हैं, किसान रोज़ आत्महत्याएं कर रहे हैं, महिलाएं गरीबी रेखा के कार्ड और पानी और शौचालय ऐसी चीज़ों के लिए परेशान हैं, तो ये जो हमारी दिनचर्या की जो अव्यवस्थाएँ हैं इनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है और उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाकर मुझे प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी से भेजा है, उतारा है और हम लोग पुरजोर तरीके से व्यवस्था की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके जो राजनीतिक दल रहे हैं जिनको समस्याओं का बखान कर रही हैं उनको भुनाने का प्रयास आप किस हद तक कर रही हैं? बिल्कुल बाकी में आपको लगता है कि भुनाने का प्रयास किया जा सकता है, इसका सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोगों ने एक चीज़ पर चोट की है कि हम ना नेताओं के पास जा रहे हैं, ना मुखियाओं के पास, ना ठेकेदारों के पास, हम डायरेक्ट जनता के पास जा रहे हैं। अपनी जो पार्टी की नीतियां हैं वो बता रहे हैं, जो मैंने खुद स्वयं से एक सेक्टर कार्यक्रम सेवड़ा विधानसभा के लिए तैयार किया है जिसमें पूरे सेवड़ा विधानसभा को हमने 20 सेक्टरों में 10 सेक्टरों में बांटा है, उसकी जो सुविधा जनता को मिलनी है उसके बारे में हम सबके पास अपनी बात लेकर जा रहे हैं और हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों से त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। साथ साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वह आपके भाई वो भी चुनाव के मैदान में आपसे सीधे सीधे मुकाबला कर रहे हैं, आप भी उनसे मुकाबला कर रहे हैं, चुनावी क्षेत्र में हैं, तो क्या आप जगह बना पाएंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में? आप कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है क्षेत्र के जगह तो मैंने आज से नहीं 10 सालों से ज़बरदस्त तरीके से बनाई है। मेरे जो भाई हैं जिन्हें कांग्रेस से टिकट मिला उन्हें 2013 में भी मिला था, वो सेवड़ा से इसी विधानसभा से हारे थे, जनता का कभी उन्हें समर्थन नहीं मिला, उनका कार्यक्षेत्र हमेशा से दतिया रहा है जहाँ से वो 2 बार विधायक रह चुके, तो पहली बात तो उन्हें सेवड़ा में आकर चुनाव लड़ना ही नहीं था, इसका परिणाम उन्हें पिछले चुनाव में ही मिल चुका है। मैंने पिछले चुनाव में जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी उनका समर्थन किया था और अब जब 6 महीने पहले मेरी टिकट की घोषणा हो गई तो परिवार के नाते उन्हें ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, न्याय नीति के नाते उन्हें ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।